इंद्रदेव काहीकि अहल्या सह संभोग कले। बंधुगण पौराणिक कथा अनुसार स्वर्ग लोकरे देवराज इंद्रंकर बास रही। इंद्र तांकर चतुर्पाश्वरे केतेक सुंदरी अप्सरीक सह काम क्रीडा करिथांति। इंद्र को देवराज मध्य कुआ जाइथाय तथा देवता मानंकर राजा, किंतु एहा परे मध्य इंद्र को पूजा करा जाय नथाय। इंद्र केबे भी निज को काम बासनारु मुक्त करि पारि नथिले। कुआ जाय कि इंद्र को शरीर अनेक नयन रे परिपूर्ण थिला। पुराण रे कुआ जाय छि कि इंद्र महान ऋषि गौतम को पत्नी अहल्या सह छल करि तांकर संभोग करिथिले। किंतु काहीकि एहा जानिबा पूर्वरु जदि आपण आम चैनल रे नुआ अटंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करि बेल आइकन क्लिक कर दियौ। तेबे आसंतु वीडियो टिकु आमे आरंभ करबा। पद्मपुराण अनुसार थरे इंद्रदेव भ्रमण करने बाहर। भ्रमण करू आकाशर तांकर नजर जंगल रे तैयारी होइतिबा एक ऋषि कुटीर उपरे पड़िला। एही कुटीर रे इंद्र एक बहुत सुंदर स्त्री को देखिले। इंद्र एही महिला को देखी बहुत मोहित होइगले एवं निज को आयत्त करि पारिले नाही। एही कुटीर महान तपस्वी गौतम ऋषिंकर थिला। जो स्त्री को देखि इंद्र मोहित होइथिले से गौतम ऋषिंकर पत्नी अहल्या थिले। इंद्र लोकरे केतेक सुंदर अप्सरा माने रहिछन्ति। इंद्र जेबे भी चाहिबे कोनोसी भी अप्सरा सह सहवास करि परिबे, किंतु अहल्या सुंदरता इंद्र को मोहित करिथिला। इंद्र अहल्या सह सहवास करिबा पई बहु उपाय चिंता कले। इंद्रदेव अहल्या पति गौतम ऋषि उपरे दिन सारा नजर रखिले। गौतम ऋषि सर्वदा सकाळ हेबा आगर उठी जांती एवं निजर नित्यक्रम करिबा पई नदी कूल को जाउथिले। सेठाने किछि समय अतिबाहित करि पुणी कुटीर को आसुथिले। इंद्रदेव एक मौकार फायदा उठेबा पई योजना कले। एक रातिरे जेबे गौतम ऋषि और अहल्या सोई पड़िले, पुणी किछि समय परे इंद्र निजर शक्ति बलरे प्रत्यय समय हेबार कृत्रिम आवरण बनाइ देले। गौतम ऋषि को लागिला कि सकाळ हेबाकु जाउछि। से प्रत्येक दिन पळी उठि पड़ी नित्यक्रम पई बाहरी पड़िले। इंद्र गौतम ऋषि बेश धारण करी कुटीर भितर को प्रवेश कले। अहल्या को लागिला कि तांकर पति नित्यक्रम सारी आसीगलेनि। फलरे इंद्र गौतम ऋषि बेशरे अहल्या को मीठा मीठा कथा कही तांक सह संभोग कले। अन्यपटे जेबे ऋषि नदी कूल में पहुँचिले तेबे सेठारे जनजीवन को देखि ऋषि को आभास होइगला कि किए छळरे सकाळ हेबार आवरण प्रस्तुत करिछि। ऋषि शीघ्र निज कुटीर को पहुँचिले। सेठारे तांकरी बेशरे इंद्र अहल्या सह सहवास करिथांति। एहा देखि गौतम ऋषि बहुत क्रोधित होइगले। गौतम ऋषि एहा देखिबा शुणी तांको हाथरे धरिथिबा कमंडलु पुष्पपूर्ण थाळी हठात खसी पड़िला। थाळ और कमंडलु तळे पड़ी शब्द हेबारु अहल्या और इंद्रदेव चमकी पड़ी गौतम ऋषि को अनेई बसिले। पुणी गौतम ऋषि क्रोधित होई इंद्रदेव को कहिले, रे पापचारी किए तू, तोर निज रूप धारण कर। तापर इंद्रदेव निज रूप को धारण करिबा परे गौतम ऋषि क्रोधित होई प्रथमे इंद्रदेव को अभिशाप देले और कहिले, रे पापी इंद्र, तू आज जो कर्म कलु आज थारु तू ए कर्म करबा पई योग्य होई रही परिबो नहि। तोहरी शरीर सारा जनि सृष्टि होई जाउ। तापरे इंद्रदेवक शरीर सारा जनि सृष्टि होई गला। तुमे चाहि करी कोनोसी स्त्री सह संभोग करि परिबो नहि। देखु देखु इंद्रक शरीर रे जनि अंकुरित हेबाकु लागिला। एवं आउ केतेक पुराण रे लेखा जाई छि कि गौतम ऋषि कुष्ठरोग हेबार अभिशाप राजा इंद्रंकु देइथिले। से जा हेउना काई इंद्र निजर भूल बुझि पारि क्षमा मागिबारु गौतम ऋषि राजा इंद्रंकु क्षमा करि देले ओ कहिले कि थरे दिया जाइथिबा अभिशाप पुणी पछुकु फेरी जाई परिबो नाही। गौतम ऋषि पुणी कहिले, तुम शरीर उपरे अंकुरित होइथिबा जनि गुडिक नयन रे बदलि जिवो। एही कारणरु इंद्रक पूरा शरीर नयन रे भरी होइगला। अन्यपटे अहल्या को पत्थर होइजिबार अभिशाप देले। अहल्या गौतम ऋषि को कहिले कि मते टिके भी आभास हेलानी कि तुम रूपरे अन्य केही मो सह सहवास करुछि, जहाद्वारा मोर किछि भूल नाही, मते क्षमा करि दियंतु। फळरे ऋषि गौतम वरदान देले कि किछि वर्ष परे भगवान विष्णुंकर अवतार रामचंद्र आसीबे एवं तांकरि स्पर्शरे तुमे आगपरि जणे सुंदर नारी रूपे दंडायमान हेबो। किछि वर्ष परे श्रीराम भगवान विष्णुंकर अवतार रे जन्म नेले ओ वनवास जीवन बेले अहल्या को स्पर्श करी तांकर अभिशापरु मुक्त करिथिले। दर्शक बंधु, आज रे सुंदर पौराणिक कहानीटी आपण मानको किपरि लागिला निहाती मतामत कमेंट रे जणैबे। भिडियोटी भल लागिथिले निहाती गोटे लाइक करिबे। आगामी दिन रे एपरि सुंदर सुंदर पौराणिक कहानी जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन क्लिक करनेबे एवं आपण का मतामत एवं आपण माने केउठारो भिडियो देखुछंती निहाती कमेंट माध्यम रे जणैबे। रहौछु, फोन देखाबे एक सुंदर भिडियो सहित, सेति विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ, जय हिंद, धन्यवाद।